हम लोग फोकस करने जा रहे हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। हमारा अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 हम बोलते हैं इसको एम्फीबॉलिक पाथवे। यस सर, दुनिया में तीन टाइप के बॉलिक है जो आज के लेक्चर के पहले आपको पता था। यस सर, तो सीखते हैं कौन से वो तीन बॉलिक थे जो आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहला है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने आपको हमेशा सिखाया था। मेटाबॉलिज्म इज एनी काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इन साइड द सेल। सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन हो जाता दुनिया उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है जाता। यस, तो पहला रिएक्शन होता है जिसको हम हमेशा मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद आपको दो बॉलिक रिएक्शन और भी पता है। एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिक और दूसरे को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन कहलाता, ध्यान से सुनना। एनाबॉलिक मैं लिख देता हूं पहले, उसके बाद बात करते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो टाइप का रिएक्शन होता है। यस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाता है, ध्यान से सुनना। एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन कहलाता है जिसमें कुछ बनता है, कुछ फॉर्म होता है, कुछ सिंथेसाइज होता है, कुछ क्रिएट होता है, कुछ कंस्ट्रक्ट होता है। इसीलिए हम एनाबॉलिज्म का मतलब बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन या बायोसिंथेसिस। जब भी हम कैटाबॉलिज्म को बोलते हैं तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। इट्स अ डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। यस, ओके। अब आप ये अच्छे से समझ लो कि एनाबॉलिज्म का मतलब कुछ बनता है और कैटाबॉलिज्म का मतलब कुछ ब्रेक डाउन होता है। यस सर, मेरा आप सभी को ये सवाल है कि रेस्पिरेशन कौन से टाइप का प्रोसेस है। यस सर, तो आपका जवाब हमारा जो पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें रेस्पिरेशन में उस डेफिनेशन में जब आपको पहले दिन पढ़ाया गया था तो आपको रेस्पिरेशन के डेफिनेशन में लिखाया गया है कि रेस्पिरेशन एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है, इट्स अ कैटाबॉलिक प्रोसेस है और ये एक्सर्गोनिक मैकेनिज्म है ना। आपको ये हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है इस प्ले लिस्ट का, रेस्पिरेशन इन प्लांट के प्ले लिस्ट का जो सबसे पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है, उसमें हमने ये आपको पढ़ाया हुआ है कि ये एक कौन सा रिएक्शन है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है ना। तो हमने उस समय आपको ये पढ़ाया गया था रेस्पिरेशन वो प्रोसेस कहलाता जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस कहलाता जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो जाता। ऑक्सीडेशन के बाद देखो एनर्जी रिलीज हो जाता। एनर्जी हमेशा देखो दो फॉर्म में आता, एक तो हीट एनर्जी, दूसरा तो केमिकल एनर्जी कॉल ATP। यस सर, वेरी गुड। तो आज ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, एम्फीबॉलिक पाथवे। दो मेटाबॉलिज्म आपको पता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। तो अब हम ये सवाल पूछते हैं कि रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या है। तो हमेशा ध्यान से सुन लो, रेस्पिरेशन ट्रेडिशनली मतलब पुराने विचार के स्वरूप या पुराने थॉट के हिसाब से, यस सर, ट्रेडिशनली जो रेस्पिरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ट्रेडिशनली रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि रेस्पिरेशन दो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन में जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं उनमें से कुछ इंटरमीडिएट का इस्तेमाल या उसका यूज हम कुछ बायोमोलिक्यूल्स को, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाने में, सिंथेसाइज करने में, क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं। यस सर, यस सर, इसका मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिज्म के साथ साथ एनाबॉलिक भी है। मैं आपको यहाँ पे इस समय बताने जा रहा हूँ
कि वाई रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एनाबॉलिक। यस सर, तो हम ये समझने का ट्राई करते हैं, जब रेस्पिरेशन होता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पाइरूवेट जब लिंक रिएक्शन करता है तब जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम में या बायोसिंथेसिस में रोल प्ले कर सकते हैं। हम लिखते हैं, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसका यूज करके हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म फैटी एसिड। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है इसके पास दो कार्बन एटम होते हैं। जब ये एक दो कार्बन, फिर दूसरा एसिटाइल आएगा, दो कार्बन, फिर तीसरा आएगा, दो कार्बन, चौथा आएगा, ऐसे दो दो कार्बन एटम मिलके हाइड्रोकार्बन चेन बनेगा। और आपको तो बचपन से ही पता है फैटी एसिड वो एसिड कहलाता है जिसमें एसिडिक ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन चैन आता है। और वो हाइड्रोकार्बन चैन पूछो पूछो कौन बनाता है, मेरे प्यारे बच्चों, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। यस सर, दूसरा कंपाउंड जो ये बनाता है इसको हम बोलते हैं टर्पिन्स। तीसरा कंपाउंड ये स्टेरॉइड बनाता है, गिबरेलिन। आपने नाम सुना होगा गिबरेलिक एसिड, ये फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, उसको भी बनाने का काम एसिटाइल कोएंजाइम ए करता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड को बनाने का काम भी एसिटाइल कोएंजाइम ए करता है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं पूछूं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए किसका इंटरमीडिएट है, आप चिल्ला के बोलोगे एसिटाइल कोएंजाइम ए वो कंपाउंड है जो रेस्पिरेशन में बनता है। इसलिए, और रेस्पिरेशन खुद में कैसा है, बचपन से ट्रेडिशनली वो कैटाबॉलिक है। लेकिन आप सरेआम, ये प्रूफ है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का इस्तेमाल फैटी एसिड, टर्पेन्स, स्टेरॉइड, गिबरेलिन, कैरोटीनॉइड को फॉर्म करने में या सिंथेसाइज करने में या एनाबॉलिक रिएक्शन में यूज हो रहा है। यस सर, इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये भी क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। यस सर, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम का इस्तेमाल हम फाइटो हार्मोन बनाने में, क्लोरोफिल बनाने में और साइटोक्रोम पिगमेंट को बनाने में हम यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया है ना। इसके अलावा आपको ये भी समझना होगा कि कुछ और इंटरमीडिएट होते हैं जिसका इस्तेमाल हम अमीनो एसिड को बनाने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यस सर, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको मैंने बचपन में बताया हुआ है गो काका, ये लॉ मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने बचपन से ही आपको बताया हुआ है। इज दैट क्लियर? गो काका का मतलब क्या होता है? यस सर, जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्लूटामेट अमीनो एसिड। क्या होता है? ग्लूटामेट अमीनो एसिड। और जब ग्लूटामेट अमीनो एसिड अगर आपको बनाना है तो उसका इस्तेमाल किसका इस्तेमाल करते हैं, हम के का इस्तेमाल करते हैं। के यहाँ पे कौन है? के है यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अब तक आपको याद आ गया होगा कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक्चुअली में क्रेब्स साइकिल का एक वन ऑफ द इंटरमीडिएट है। यस सर, अल्फा कीटो ग्लूटरेट से हम ग्लूटामेट बनाते हैं। ग्लूटामेट क्या है आप सभी को पता है, ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है।
यस सर। तो एग्जांपल नंबर वन है, हम इसी गो काका के चार्ट को देखते हैं। यस सर, आपने अभी क्या देखा था, ग्लूटामेट बनाया गया था जब अल्फा कीटोग्लूटामेट, अल्फा कीटोग्लूटामेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामेट, है ना। इसी के अंदर दूसरा रिएक्शन भी है जो आप ध्यान दे रहे होंगे, इसमें से ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एस्पार्टेट, और एस्पार्टेट को बनाने के लिए हम ओ का इस्तेमाल करते हैं। तो ओ क्या हुआ, ओ होता है ऑक्सैलो एसिटेट। एग्जाम्पल नंबर टू, ओ का मतलब ये होता है ऑक्सैलो एसिटेट, इसका इस्तेमाल हम, ओ का इस्तेमाल हम ए बनाने में, ए कौन है, एस्पार्टेट है। बट एक्चुअली में एस्पार्टेट है क्या, एक्चुअली में एस्पार्टेट एक अमीनो एसिड है। तो आपने ये दोनों एग्जाम्पल में क्या सीखा, आपने ये दोनों एग्जाम्पल में ये सीखा कि अल्फा कीटोग्लूटामेट एंड ऑक्सैलो एसिटेट जो कि दोनों इंटरमीडिएट हैं इस क्रेब साइकिल के, और ये दोनों का इस्तेमाल, दोनों का यूज हम लोग अमीनो एसिड को फॉर्म करने में या अमीनो एसिड को बनाने में यूज करते हैं। और अमीनो एसिड को क्या मैं यूज करके प्रोटीन बना सकता हूं, बना सकता हूं। प्रोटीन वो कहलाता है जो अमीनो एसिड को कंबाइन होने से बन जाता है। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि मैं इन अमीनो एसिड का इस्तेमाल प्रोटीन को फॉर्म करने में मैं यूज कर सकता हूं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मैं यूज कर सकता हूं, प्रोटीन को बनाने में मैं यूज कर सकता हूं। क्या बोला मैंने, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, सिंथेसिस इसका मतलब ये एनाबॉलिक भी है, रेस्पिरेशन। यस सर, इन सब चीजों की वजह से मैं ये प्रूफ करता हूं, यस सर, इन सब चीजों की वजह से। उसके पहले आप ये देख लो कि ये जो ऑक्सैलो एसिटेट है इसका इस्तेमाल हम पाइरिमिडिन्स बनाने में भी करते हैं। आप सभी को मालूम होगा पाइरिमिडिन क्या है, पाइरिमिडिन एक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडिन। पाइरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरैसिल तीन टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस को बनाने का काम भी, बनाने के लिए हम ऑक्सैलो एसिटेट का इस्तेमाल करते हैं। देन कुछ अल्कलॉइड को बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, ये तीनों पॉइंट से आपको ये क्लियर हो गया है कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन कैटाबॉलिक के साथ साथ ये एनाबॉलिक भी है। इसलिए कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, जब दोनों बॉलिज्म एक साथ आते हैं तो वो एम्फीबॉलिक क्या है, लाते। एम्फी मतलब टू, से एम्फी मतलब टू, बॉलिक इज अ रिएक्शन, बोथ द रिएक्शन दैट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। यस सर, इसीलिए हम यहां पे एक फाइनल लाइन लिख रहे हैं, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबॉलिक दैट इज कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, या तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्रेब्स साइकिल का क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में एक चार्ट है, वो हम अभी सीखने जा रहे हैं। दिस लेक्चर इज ओवर, थैंक यू।